सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वीडियो के टॉपिक तो आपको पता ही है कि अपन इस वीडियो में क्या बातें करने वाले हैं। तो गाइस, मेलबेट के बोनस को क्लेम करने के लिए और यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आप जो अकाउंट क्रिएट करोगे मेलबेट पे, उस पे पर्सनल प्रोफाइल पे प्रोफाइल की डिटेल्स 100% आपको फिल करनी होगी। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर अपने आधार वगैरह सब कुछ पहले फिल करना होगा। देन फिर आपको डिपॉज़िट करना है। पहले आपको डिपॉज़िट नहीं करना है, पहले आपको सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने होंगे और फिर उसके बाद आपको पैसे डिपॉज़िट करने हैं। अगर आपके इन्फॉर्मेशन चार पूरे फिल नहीं होंगे तो आपको 100% बोनस का क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे मेरे अकाउंट में मैंने अभी तक सिर्फ एक बार पैसे डिपॉज़िट करे हैं। रिप्लेस विद मेन अकाउंट, सॉरी, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में गया मैं। ये बोनस अकाउंट है, ये मेन अकाउंट है गाइस। मैंने एक बार सिर्फ 750 रुपये का, ये जो सबसे नीचे आप देख रहे हो ना, ये पेमेंट किया है। एस्ट्रो पे से पेमेंट किया था। ऊपर जो फेलियर आ रहा है वो है, मैंने 105 रुपये का किया था, लेकिन एस्ट्रो पे में मिनिमम क्राइटेरिया होता है 750 रुपये का ही कार्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी दूसरी चीज़, मुझे बोनस अमाउंट तो मिल गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे बोनस में कितने मिले थे। माय प्रोफाइल में, यहाँ पे माय अकाउंट में जाकर प्रोमो में जाइए, बोनसेस में जाइए। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिमेनिंग बोनस में 750 INR लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि एक्सपायर होगा 21 तारीख को सुबह के 4:29 पर। तो 1 महीने का टाइम देता है आपको मेलबेट वेजर करने के लिए। 1 महीने में आपको वेजर करना होगा, नहीं तो ये बोनस एक्सपायर हो जाएगा। जो बोनस मिला है वो आपके मेन अकाउंट में नहीं जाएगा। मेन अकाउंट में जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस है वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन अभी के लिए अपन चलते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो गाइस, यूज़ करने के लिए आपने सपोज क्लेम कर लिया, आपको जैसे मुझे 750 रुपये मिले, आपने 1000 किए, 1500 किए, 1500 रुपये मिल गए। अब मेलबेट की क्राइटेरिया क्या है कि आपको 3 या 3 से ज़्यादा इवेंट आने होंगे। जो लोग एक्यूमुलेटर, डबल्स, ट्रिपलेट से, इन सारे बेटिंग टर्म्स या वर्ड से वाकिफ़ है, उनको मैं बताना चाहूँ कि 2 इवेंट नहीं लेगा, एटलीस्ट 3 या 3 से ज़्यादा इवेंट लेंगे। और हर इवेंट का जो भाव है वो 1.4 या उससे ऊपर होना चाहिए। 1.39999 भी होगा ना तो ये नहीं लेगा। और ये क्या मैसेज शो करेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ लाइव दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे मैं आपको मेरे बेट हिस्ट्री में जाके दिखाता हूँ। ये मेरा बोनस अकाउंट है गाइस। ठीक है, इसका सारा सब कुछ अलग, इसका सारा स्लिप वगैरह सब अलग होता है। और अगर आप स्लाइड करोगे, ये मेन अकाउंट है, इसका सारा सब कुछ काला चिट्ठा, सब जितने भी सब कुछ है सब अलग होता है। तो कोई बात नहीं, कुछ मर्ज कुछ मिक्स नहीं होगा, अलग अलग कॉलम्स में सारे डिटेल्स होंगे। तो अभी मैं बोनस अकाउंट में जाता हूँ गाइस। देखो, मैंने अभी इस पे लगाया है, सब कुछ 1.40 के ऊपर है, सब कुछ 1.40 के ऊपर है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैसेज क्या शो करता है जब आप 1.39 से नीचे के अगर ऑड्स पे खेलते हो तो। चलो ठीक है, अगर मैं स्पोर्ट्स में जाता हूँ, टेबल टेनिस पे जाता हूँ, तो अभी के लिए मेरे पास ऐसा कोई इवेंट है क्या। हाँ, 1.164 है और 1.408 है और 1.22 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 3 इवेंट कवर कर रहे हैं। ब्लॉक हो गया, ओहो, कोई बात नहीं, मुझे तो आपको सिर्फ दिखाना है ना। तो मैं आपको ऐसा करता हूँ, 1.63, 1.23। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे फिर वापस ब्लॉक हो गया। भाई क्या प्रॉब्लम है दोस्त तुझे। ठीक है, यहाँ पे 2 इवेंट ऐसे हैं जो 1.4 से ऊपर ऑड्स के हैं और एक इवेंट ऐसा है जो बहुत ही लो ऑड्स का है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं 100 रुपये डालकर दिखाता हूँ आपको कि क्या मैसेज शो करेगा, और मैसेज आपको पढ़ के भी बताऊँगा। यहाँ पे देखो क्या शो कर रहा है, द ऑड्स फॉर द इवेंट्स, द ऑड्स फॉर द इवेंट्स ऑन द बेट स्लिप डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द टर्म्स ऑफ द ऑफर, जैसा कि मैंने बोला था, ये मैसेज आएगा। तो गाइस अभी चलते हैं, ये जो 1.164 का इवेंट है इसको अपन डिलीट करेंगे और 1.70 इवेंट का ऐड करेंगे। ठीक है, अभी ऐड किया, अभी यहाँ पे मैंने 50 रुपये खेला। ठीक है, 50 रुपये खेलता हूँ, बहुत पैसे खेल लिया गाइस। ये सक्सेसफुली सब आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। देखो ये हो गया, 50 रुपये का बेट लग गया गाइस। ठीक है, 50 रुपये का सक्सेसफुली बेट लग गया है। और
अभी अगर किसी ने गौर करा होगा आपके व्यूअर्स में या फिर वीडियो के पीछे सेक्शन में जाके भी आप देखोगे प्रोमो में, तो यहाँ पे जो बोनस था मेरा इसमें 50 रुपये और ऐड हो गए, ठीक है। और अभी मेरे अकाउंट में 1700 बाकी है और 750 रुपये, मैंने इतना अमाउंट खेल लिया है। अब ये जो 750 रुपये है वो मेरे अमाउंट में कब आएंगे, जब ये सारे बेट्स सेटल हो जाएंगे तब, ठीक है। एक तो ये लाइव है, ठीक है गाइस, एक तो ये लाइव है, अभी ये सारे इवेंट सेटल हो जाएंगे तो फिर मेरे अमाउंट में वो अमाउंट आ जाएगा। अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 5559 रुपीज़ है अभी मेरे अकाउंट में। जितने पैसे आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने पैसे आए और क्या मैसेज आता है मेलबेट के ओर से। सो गाइस, सारे सेटलमेंट हो चुके हैं, आपको ले चलता हूँ मैं माय अकाउंट सेक्शन में। यहाँ पे जो चेंज अकाउंट करने के बाद यहाँ पे माय मेन अकाउंट के नीचे जो बोनस अकाउंट का ऑप्शन आता था वो चला गया है, चला जाएगा क्योंकि अमाउंट तो सेटल हो गया है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मैं आपको दिखा दूँ कि जो यहाँ पे अपन स्लाइड करते थे वो नहीं आ रहा है। और यहाँ पे आप जब गौर कर पा रहे हो गए, रिडीम बोनस फंड क्रेडिटेड टू मेन अकाउंट, ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दोगे। इस यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आया क्योंकि जो 750 रुपये का बोनस मैंने क्लेम किया था वो मुझे मिल गया है सारे सब कुछ सेटलमेंट्स होने के बाद। रिडीम बोनस फंड क्रेडिटेड टू मेन अकाउंट 750 INR, ओके। तो ऐसे फाइनली अमाउंट सेटल हो जाएगा गाइस। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, अगर आपको और भी कोई ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा। प्रोमोज में बोनसेस में से यहाँ पे जो था वो भी चला गया है, तो ये एक अच्छी साइट है खेलने के लिए। कंटिन्यू करो, खेलते रहो, पैसे पेलते रहो। धन्यवाद।